हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और आज आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ फिर से। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पूरी छत को अच्छे से क्लीन करेंगे क्योंकि इस पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। तो मैं आज इसको धोने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारा टाइम हो गया था। ऐसे ही झाड़ू वगैरह लगा देते थे और आंधी वगैरह आ जाते तो आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा मतलब गंदी हो जाती है। तो चलिए इसको करते हैं क्लीन। पहले इसको झाड़ू लगाएंगे फिर उसके बाद इसको वॉश करेंगे। दादी राम 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 बेटा राम राम खुश हो खुश। भैया मेरी दादी माँ दादी सास दुख तो भाई दादी गाइस। तो यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे आज लंच में बन रहे हैं घिया के कोफ्ते। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से मैंने थोड़े से बना लिए और बहुत ज़्यादा पका लिए है और यहाँ पे ग्रेवी भी मैंने बना ली है। तो चलिए बनाते हैं लौकी के कोफ्ते। तो यहाँ पे बन रहे हैं आज लौकी के कोफ्ते। और लौकी के कोफ्ते मतलब जैसे कोई हर कोई खा लेता है छोटा बड़ा। कई बार कई बच्चे हैं ना लौकी की सब्जी नहीं खाते लेकिन लौकी के कोफ्ते हर कोई खा लेता है जैसे पकौड़े वगैरह समझ के। तो ध्रुव को बहुत पसंद है लौकी के पकौड़े बट सब्जी खाना इसको पसंद नहीं है। और तो चलिए करते हैं कंटिन्यू ब्लॉग को। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रखा है 6:15 है। तो हम 4 बजे सोए थे और 6:10 पे मैं उठी हूँ। देखिए 2-2.5 घंटे नींद आ जाते हैं यहाँ पे। और अभी मेरे को रात को पता नहीं नींद आएगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी वाली नींद आ गई थी। इतने अच्छे नींद के सपने भी आते हैं, सपने आते हैं तो आप लोगों को पता ही नींद अच्छी आती है। और ध्रुव 4:30 के बाद फिर ऐसे ही सोता है, ऐसे यहाँ पे खेलता रहता है अपने चाची के साथ भी और मम्मी के साथ भी। तो अभी मैं आई हूँ और मंदिर में चल रही है भजन कीर्तन। तो दादी माँ गई और इतनी तेज़ हवा चल रही है अभी भी 6:15 और इतनी गर्म हवा चल रही है। दिखाऊँ आप लोगों को, चलिए दिखाती हूँ। और आज छत धोई थी दिन में। तो अभी ले लेती हूँ मैं बाजरी जो मम्मी जी बनाएंगे अभी राबड़ी बाजरी के। पहले ही बाजरी को मेरे को लगता है मम्मी मिक्सी में पीसेंगे उसके बाद फिर बनाएंगे। और हमारे ना बहुत ज़्यादा रिवाज है तो चलिए लेके चलते हैं नीचे। और मम्मी इसको ना थोड़ा सा मिक्सी में ही मतलब पीस लेते हैं, थोड़ा जितना ज़रूरी होता है ना उतना पीस लेते हैं। और गाइस, तो अभी आई हूँ मैं ग्रीन टी लेके अपनी ऊपर छत पे आ गई और ऊपर थोड़ी सी वॉक भी कर लूँगी और मेरे को यहाँ पे आने की छूट कर लेती हूँ। कई बार अंधेरा हो जाता है तो मैं थोड़ा सा जल्दी कोशिश करती हूँ आने की। तो अपनी ग्रीन टी इंजॉय करेंगे साथ साथ में थोड़ा सा वॉक करेंगे। और तो यहाँ आने के बाद में उससे ज़्यादा ब्लॉग नहीं हो पाते बट क्या कहे मतलब कहना क्या चाहती हूँ मैं, ब्लॉग मुझे कंटिन्यू डालने हैं तो मुझे थोड़ा थोड़ा करके शूट करना पड़ता है। गाइस आप लोगों को पता है यहाँ आने के बाद इतना अच्छा रूटीन हो गया है मेरा यहाँ आके। रूटीन आप मीन्स कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, खाना पीना दिन का एकदम बहुत ही अच्छा शेड्यूल हो गया। और ये सूट का दुपट्टा नहीं है, इस सूट का दुपट्टा है जिसको मम्मी ने पिको करवाने के लिए मतलब लेके गए थे लेकिन आज पिको नहीं हुआ तो फिर मैंने ये वाला इसका दुपट्टा ले लिया। और ये वाला दुपट्टा पता है कहाँ से मिला था मेरे को, यहीं पे मतलब
जब मैं अपने देवर की शादी में आई थी ना, तो यहाँ पे एक दीदी है, उन्होंने ना माता लक्ष्मी के जो फास्ट है उन्होंने वो रखे थे और उनका उद्यापन किया था, तब मुझे ये दुपट्टा मिला था। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा नरम है और कलर भी बहुत प्यारा लगा, तो फिर मैंने सोचा चलिए आज इस पे ले लेती हूँ, किसी दूसरे सूट का तो है नहीं, ऐसे आज मेरे को दूसरा दुपट्टा लेना पड़ता। और ये देखिए इसमें हल्का सा पिंक कलर है ना, तो इसके साथ मैचिंग भी कर रहे हैं। और ये ऑर्गेनिक की ग्रीन टी है जो कि मैं पिछली बार यहाँ लेके आई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं पी तो ख़त्म नहीं हुई, और मम्मी भी बहुत ही कम पीते हैं, तो अभी मैं मम्मी की बना के छोड़ाई और अपने भी। और नीचे ना इतनी ज़्यादा गर्मी है, सच्ची में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा हुमस हो रखी है, जब भी गेट वगैरह खोलते हैं ना। और आप सब बताइए आप सब कैसे हो। तो गाइज आप लोगों को पता है यहाँ मतलब सारा दिन कहीं जाना नहीं होता, सारा दिन घर में रहते हैं और फिर बहुत अच्छा सा टाइम निकल जाता है। अब तो मेरी जैसे देवरानी भी आ गई है, एक जैसे हो गए हम दो कि थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा वैसे भी थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। पहले मैं अकेली होती थी, मम्मी भी होती थी, वैसे मम्मी के साथ भी मेरी बहुत अच्छे बॉन्डिंग है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे से हम बातें करते हैं, एक फ्रेंड्स की तरह ही है, ऐसी बात नहीं है कि सासू है बस वो चीज़ है। हाँ है, सासू नाम की है मेरी सासू, लेकिन एक फ्रेंड की तरह ही है, बहुत सारी बातें बता, कभी ऐसी बात नहीं हमारी गुस्सा नहीं होता, लड़ाई नहीं, वो चीज़ें भी होती है लेकिन वो चीज़ों अलग होती है, वो चीज़ हर किसी की होती है, लेकिन प्यार भी बहुत है हमारा। तो छोटी सी छोटी बात होती है मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, और मेरे ख्याल से सबको ऐसे ही करना चाहिए ना, क्योंकि ससुराल में शादी करके आते हैं तो सास के अलावा और कोई नहीं होता, सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे बेस्ट मतलब माँ, या सबसे बेस्ट मतलब कोई मान लो ननंद होती है, शादी के बाद चली जाती हैं, एक सास ही ऐसी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, और जब उनसे हम अपना अच्छा रिश्ता बनाते हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छा रिश्ता ही रखेंगे ना। ऐसी बात नहीं है, सास मतलब थोड़ा बहुत होता है गुस्सा होता है सास का, लेकिन सास मतलब कि एक अलग ही चीज़ बनाई है भगवान ने, कभी उनमें गुस्सा भी आता है, कभी उनमें प्यार भी आता है, तो ये चीज़ नहीं है कि एक मतलब क्या बोलना चाहती हूँ मैं, बोलने की कोई समझ नहीं आ रहा, मतलब कि सास में ऐसा मत समझो, कई बार हमने काम सही भी किया ना तो वो उस काम को कई बार गलत भी बता देती है, और मतलब कई बार ऐसा होता है छोटी मोटी बातें उनको अपनी ही मनवानी होती है कि हाँ ये काम मैंने किया, मैंने बोला है तो ये काम उनको ऐसा ही करना चाहिए, तो वो इस चीज़ के लिए भी हाँ खुशी मेरी बहू है मैं बोलूँ ये मेरे कहने पे ये वाला काम करे, तो उनको ये चीज़ भी एक फीलिंग आती है अपनी बहू के साथ इस तरह से मतलब पेश आने की, और अच्छा लगता है ना। जैसे अभी दो लोग हो गए, एक और देवर उसकी भी शादी हो जाएगी तो तीन लोग हो जाएंगे, और बहुत अच्छा लगता है यार, मिल बांट के रहो, देवरानी जेठानी सास बहू, ऐसा मतलब अच्छा प्यार बनाओ कि एक दूसरे के बगैर हमें रह ही ना सके। और मैं चलो जैसे हरदम नहीं रहती, यहाँ पास में नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपनी देवरानी है ना अपनी छोटी बहन जैसा ही प्यार करती उसको, और वो जैसे मैं उससे ज़्यादा ना प्यार करूँगी ना तो वो पक्का पक्का मुझे वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगी, बहुत ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट करेगी। अगर मैं करूँगी अपने हाथ में, पहले हम रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे की ना, तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं गाइस। तो चलिए पी लेती हूँ फटाफट से ग्रीन टी, फिर बुक करते हैं ठीक है। और टाइम और का 7:15 मैं प्रेस करके आ गई हूँ, और देवरानी अभी अपने इसमें प्लांट में पानी डाल दिया है और ऊपर से आ गई हूँ मैं बुक करके, कम से कम मैंने आधा घंटा बुक किया। तो अभी ये देखिए इस तरह का और है, बिल्कुल अंधेरा हो गया और बिल्कुल लाइट थी उस टाइम आई थी, और ये देखिए ध्रुव भी आ गया, वरना मैं थोड़ी देर और बुक करती। चलो ध्रुव बस यहीं रख दो, यहीं रख दो ठीक है, कल आके प्लांट्स को वो धो देना ठीक है। हाँ रख दो, रख दो तो रख दो, फिर बंद क्यों करनी आपको, देखो स्लो स्लो कैसे चलना होते हैं। क्या है, क्या था वो होगी कीड़ी होती है यहाँ पे बहुत सारी दादी घर पे, गर्मी लग रही है ना अभी। चलो आराम से पकड़ के चलना ठीक है, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल टाइट पकड़ ले, पकड़ ले मम्मी इसकी जैसे लग रहा है, टाइट 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 पकड़ के चलो। ठीक है क्या नंदा, क्या
डंडा ये पड़ा रहने दे दादू ने रखा यहाँ पे। क्यों? आराम से पकड़ के चलो। क्या क्या करेगा? क्यों फौजी ताऊ तेरे को क्या कर दिया? फौजी ताऊ तो तेरे को चीजी ला के देते हैं ना। फौजी ताऊ ने मुझे बिगाड़ा। बिगा दिया तो क्या होगा, लाया ये इतनी गर्मी में है। बैठ के खाना होता है। गुड मॉर्निंग बोलो सभी को, बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के मम्मी पानी ला के दे तो बोलो गुड मॉर्निंग। ये हमारे कौन लेके आए ध्रुव तेरे लिए? दादू। दादू जी, अच्छा आज सुबह उठते ही आपने आंवला खाया है ना? ये देखिए देखिए कैसे खा रहा है, मुंह भी नहीं दे ऊपर मुंह करियो। चलो जाओ ऊपर जाओ जाओ मम्मी थे।